हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपी की रसोई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी पनीर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम बनाएंगे कलेजी पनीर। कलेजी नाम सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉनवेज डिश है, मगर ये कोई नॉनवेज डिश नहीं है, ये बिल्कुल वेज डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जिन जिन स्टेप्स को मैं इस वीडियो में दिखाती चली जाऊंगी, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। कलेजी पनीर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, और उसको हमको करना है मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सोया सॉस। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके सोया सॉस डालती चली जाऊंगी। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है, तो उसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 प्याज, आधा बीटरूट मतलब चुकंदर, 2 लिए हैं मैंने यहाँ पे टमाटर, ये कुछ काजू लिए हैं, 3 मैंने यहाँ पर सूखी लाल मिर्च ली है, और कुछ लहसुन की कलियाँ ली। तो यहाँ पर मैंने अपनी कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब मैं डालने जा रही हूँ उसमें 2 चम्मच के बराबर घी। आप चाहो तो उसमें मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा घी गरम हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी प्याज और इसको फिर अच्छे से चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज का रंग बदल चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां और ये 3 मिर्च जो हमने रखी हुई थी, अब उसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और इसको भी अच्छे से चला लेंगे। तो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये बीटरूट, चुकंदर। चुकंदर हम इसलिए डाल रहे हैं, एक तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसमें जो टेक्सचर आता है, जो कलर निकल के आता है कलेजी पनीर में, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर निकल के आता है। तो इसलिए हम इसमें डालते हैं चुकंदर। और अब इसमें डालूंगी मैं ये काजू और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे हमारी जो सब्जियाँ हैं, जो हमारे टमाटर हैं, वो अच्छे से नरम हो जाएंगे, और इसे 5 मिनट के लिए हम ढककर पका लेंगे। तो हमें 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं ढक्कन उठा के ये पका है कि नहीं पका है। ये अच्छे से पक चुकी है। अब हमें गैस को बंद कर लेना है और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, क्योंकि हमें इसका एक महीन सा पेस्ट बनाना है, तो हम इसे अब निकाल के अलग रख देंगे ठंडा होने के। तो चलिए अब बनाते हैं कलेजी पनीर की ग्रेवी। उसके लिए मैंने यहाँ पे रखी है अपनी कढ़ाई, और उसमें डाल दिया मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर घी। तो यहाँ पर हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, और एक छोटी सी मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ली थी, उसका मैंने यहाँ पे उसका पेस्ट बना लिया है, अब वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसको हल्का हल्का हम सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन मसालों का अच्छा सा पेस्ट बना लिया, एक महीन सा पेस्ट बना लिया, वो भी हम इसमें अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो अब इसमें मैं डालना शुरू करूंगी मसाले। सबसे पहले डालूंगी स्वाद अनुसार नमक, कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसे इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये सोया सॉस, जो मैंने पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा था, उसका ये थोड़ा सा इसमें सॉस बचा हुआ है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, सोया सॉस भी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा ये गर्म पानी भी डालूंगी और इसको फिर इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे तरीके से पक चुका है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये बिल्कुल फ्रेश मलाई। आप चाहो तो आप बाजार से क्रीम खरीद के भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी मलाई को अच्छी तरीके से पका लिया इसमें चला के। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था पनीर, वो उसमें आप ऐड कर लेंगे और फिर इसको अच्छे से चला लेंगे। तो तैयार है यहाँ पर हमारी कलेजी पनीर। आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे सर्व कर सकते हो रुमाली रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या नॉर्मल रोटी या कुलचे के साथ, जिसके साथ भी आप इसे खाना पसंद करते हो। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और नीचे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।